एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू डू न्यूली वेड मेकअप लुक। और इस मेकअप लुक को आप किसी भी शादी, किसी भी पार्टी, किसी फंक्शन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने फेस पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो सबसे पहले हम स्किन केयर करेंगे। इससे पहले अगर आप स्किन केयर कर लेते हैं तो आपका मेकअप और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो चलिए सबसे पहले स्किन केयर करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फेस वॉश करेंगे, उसके बाद हम कोई सा भी टोनर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने बायोटिक का टोनर लिया है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे डैब डैब मोशन में। फिर मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये वाला सीरम मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसको लगाते ही आपके फेस पे इमीडिएटली ग्लो आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आपके फेस पे ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है या आपके फेस में ग्लो नहीं है तो आप कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे लूँगी लिप बाम। यहाँ पे मैंने बेबी लिप्स, मेबलिन बेबी लिप्स का लिप बाम लिया है और इसको मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। फिर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लिया है, ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है और इसको भी मैं अपने फेस पे जेंटली मसाज कर लूँगी। और फिर हम वेट करेंगे 5 मिनट्स के लिए प्राइमर, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने नायका का प्राइमर यूज़ किया है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और कोई भी फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके जितने भी पोर्स होते हैं सबको ब्लर आउट कर देता है और एक स्मूथ फिनिश आपको देता है फाउंडेशन लगाने के लिए। प्राइमर लगाने के बाद मैं यूज़ करूँगी कलर करेक्टर। जहाँ पे भी मुझे पिगमेंट का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी। और ये ऑरेंज कलर करेक्टर है तो इसको आप अपने माउथ के अराउंड लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे। और ये सेम ऑरेंज कलर करेक्टर को मैं अपने अंडर आई एरिया पर भी अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपको। ऑरेंज कलर करेक्टर लगाने के बाद आपको इसको सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैंने नायका का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं और इसको ऑरेंज कलर करेक्टर को जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है उसको अपनी जगह पे सेट कर दीजिए। कॉम्पैक्ट के साथ सेट करने के बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन, तो इसके बाद आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में फाउंडेशन यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है फिटमी का फाउंडेशन, ये शेड नंबर है 330 और आप देख सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ पे हमने अपने सारे पिगमेंट्स को हाइड कर लिया है तो आपको फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत कम लगेगी। फिर इस फाउंडेशन को आप किसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर, ये एल ए गर्ल प्रो का कंसीलर है और ये हमारी स्किन टोन से एक शेड लाइटर है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया पे, या आप कह सकते हैं जो हमारे हाई पॉइंट्स होते हैं फेस के, वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और आईज़ पे हमने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया था इसलिए आईज़ पे हमें ये कंसीलर यूज़ करना है। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद आपको इमीडिएटली इसको सेट करना होता है वरना ये क्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सेम नायका का कॉम्पैक्ट लिया है और उससे मैं अपने जहाँ भी मैंने कंसीलर यूज़ किया था वहाँ पे इसको सेट करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे और इससे हम अपना मेकअप सेट कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का शेडो पैलेट और इसमें जो ब्राउन शेड है उसको मैं पिक करूँगी और इससे अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी और इससे बहुत ही अच्छे से आईब्रोज फिल हो जाते हैं। स्विस ब्यूटी का ये पैलेट बहुत ही अच्छा पैलेट है। इस पैलेट से आप अपने आईब्रोज को भी फिल कर सकते हैं, इससे ब्लश भी लगा सकते हैं, कॉन्टोर भी कर सकते हैं और अपना आई मेकअप भी कर सकते हैं। तो ये पैलेट बहुत ही अच्छा है और गाइज, ये स्विस ब्यूटी का पैलेट जो है बहुत अफोर्डेबल भी है। फिर यहाँ पे मैंने सेम स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है और उससे मैं अपना आई मेकअप करूँगी। सो गाइज, यहाँ पे मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। फिर मैं लगाऊंगी आईलाइनर, तो आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कोलोसॉल का आईलाइनर और बहुत ही थिन सा मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ।
ड्रॉ करने के बाद मैं लगाऊंगी काजल। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेबलिन कोलोसॉल का काजल और ये काजल बहुत अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। काजल लगाने के बाद मैं करूँगी काजल को स्मज, तो इसके लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ और काजल को स्मज करने से काजल का लुक और ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्मज कर रही हूँ। स्मज करने के बाद मैं लगाऊंगी वाइट काजल। वाइट काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं लगाती हूँ इसको, और इससे आंखें थोड़ी बड़ी भी दिखती हैं। फिर मैं कर लूँगी अपने आईलैशेस को कर्ल, फिर मैं लगाऊंगी मस्करा। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेबलिन का मस्करा, मेबलिन हाइपर कर्ल मस्करा यहाँ पे मैं ले रही हूँ, और मस्करा से अपने आईलैशेस को अच्छे से कोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने सेम स्विस ब्यूटी का पैलेट पिक किया है और यहाँ से मैंने पिंक शेड लेके इसको एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। फिर सेम पैलेट से आप ब्राउन शेड पिक करके, जो कि एक कंटूरिंग शेड भी है, इससे आप अपने नोज को कंटूर कर लीजिए। लगाऊंगी हाइलाइटर, तो हाइलाइटर के लिए मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से हाइलाइटिंग शेड लेके अपने जितने भी फेस के हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ मैट लुक की लिपस्टिक, ये मरून शेड में है और ये मैट लुक आपको प्रोवाइड करता है, तो इसको मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी, फिर हमारा मेकअप लुक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो गाइज, यहाँ पे ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।